साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राजनीति में साम दाम दंड भेद चलते हैं। राजनेता सत्ता पाने के लिए सारे हथकंडे अपनाते हैं, मगर फिर भी अब तक कहीं न कहीं भाषा की मर्यादा भंग नहीं हुई थी। मगर महाराष्ट्र की राजनीति में तो हर तरह की मर्यादा टूट रही है। संजय राउत ने अपनी बदजुबानी से एक बार फिर से अपना ही नुकसान करवा लिया। इस बार शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने संजय राउत की भरे मीडिया के सामने क्लास लगा दी, खूब खरी खोटी सुना दी। और इतना ही नहीं, गायकवाड़ ने तो वो सब राउत के बारे में बता दिया जिसकी जानकारी शायद किसी को नहीं थी। एक तरह से विधायक संजय गायकवाड़ ने संजय राउत की पूरी कुंडली खोल कर रख दी, जिसके बाद तो हर तरफ संजय राउत की थू थू हो रही है। तो आखिर संजय गायकवाड़ संजय राउत पर इतना क्यों भड़क गए और गायकवाड़ की बातों के बाद राउत ने आखिर चुप्पी क्यों साध ली, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत किस वक्त क्या बोल रहे होते हैं शायद उन्हें खुद नहीं पता होता, इसीलिए नासिक दौरे के दौरान संजय राउत इतना ज्यादा बोल गए कि विधायक संजय गायकवाड़ को संजय राउत की जुबान बंद करवाने के लिए सामने आना पड़ा। और संजय गायकवाड़ ने सामने आकर राउत की तो बोलती बंद करवा ही दी, साथ ही साथ राउत का अतीत भी खोल कर रख दिया, राउत का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। गायकवाड़ ने मीडिया के सामने राउत को लेकर ऐसे शब्द का इस्तेमाल भी कर दिया जिसको सुनने के बाद तो अब तक संजय राउत खुद मीडिया के सामने आने से कतरा रहे हैं। तो संजय गायकवाड़ ने क्या कहा वो बताएं, उससे पहले आखिर राउत ने क्या बयान दिया वो आपको बताते हैं। तो संजय राउत ने नासिक दौरे के दौरान मीडिया के सामने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके विधायकों को लेकर बेहद घटिया बात बोली थी। राउत ने कहा, जिस तरह एक फिल्म में अमिताभ बच्चन पर लिख दिया जाता है कि मेरा बाप चोर है, कुछ इसी तरह से शिंदे और उनके विधायकों की तकदीर के साथ हमेशा हमेशा के लिए देशद्रोही और बेईमान जैसे शब्द जुड़ गए हैं, जो कि उनकी मौजूदा और आने वाली पीढ़ी को किसी के सामने खड़े होने लायक नहीं छोड़ रहे। राउत ने आगे कहा, जो भी विधायक उद्धव ठाकरे से छल करके गया है उनके बीवी बच्चों से जाकर पूछो तो उनकी गर्दन शर्म से झुकी हुई मिलेगी। बूढ़े माँ बाप अपने बेटों की बेईमानी पर किसी से आंख नहीं मिलाते और नाते रिश्तेदारों ने तो ऐसे देशद्रोहियों के यहाँ जाना ही बंद कर दिया। राउत ने कहा, शिंदे के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं और सही वक्त आने पर हम अपने पत्ते खोलेंगे। अब संजय राउत ने खूब फिल्मी डायलॉग मार तो दिए, राउत ने शिंदे के विधायकों को ये सब बोल तो दिया, मगर हश्र क्या होगा शायद ये नहीं सोचा, क्योंकि राउत की इन कड़वी बातों को सुनकर बुलढाणा विधायक संजय गायकवाड़ बुरी तरह उखड़ गए और मीडिया के सामने संजय राउत की क्लास लगा दी और खूब खरी खोटी सुनाई। विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि इनको महाराष्ट्र एक फिल्म की तरह दिखता है, बस ये हमेशा हीरो की तरह मौज काटना जानते हैं। मगर मिस्टर राउत, महाराष्ट्र 2.5 घंटे की फिल्म नहीं है, करोड़ों लोगों की उम्मीद है और हम रात दिन एक एक मराठी के लिए काम करते हैं। विधायक संजय गायकवाड़ ने आगे कहा, हमें हमारी पीढ़ियां देशद्रोही नहीं बल्कि क्रांति वीर के रूप में याद रखेगी, जिन्होंने एकजुट होकर एक ऐसे शासक को उखाड़ कर फेंक दिया जो कि अंधा और बहरा था, जो कि राज्य के लिए काम करने के बजाय अपनी साथी पार्टियों के आगे पीछे धूम हिलाता फिरता था। गायकवाड़ ने आगे कहा, महाराष्ट्र से किसी फिल्म की तुलना कोई लफंगा ही कर सकता है, जिसे महाराष्ट्र और मराठी मानुष से मतलब नहीं है वो ही ऐसी बातें कर सकता है। जी हाँ, यहाँ पर गायकवाड़ ने साफ साफ संजय राउत के लिए लफंगा शब्द का इस्तेमाल किया। गायकवाड़ ने इशारों इशारों में कहा कि राउत जेल से बाहर आकर बड़ा उछल रहे हैं, इतना ही दम है तो बेलगाम कोर्ट में पेशी के लिए क्यों नहीं गए, जज के सामने वकीलों के जवाब देने से क्यों मुंह छिपा लिया, क्योंकि राउत को अच्छी तरह पता है कि अगर वो कोर्ट में पेशी के लिए गए तो फिर कभी बाहर नहीं आ पाएंगे, सीधे जेल में जाएंगे। गायकवाड़ ने कहा,
महाराष्ट्र ने 2.5 साल तक उद्धव सरकार को झेल लिया, वो मजबूरी थी, मगर हम हमारे राज्य के लोगों को खुला आसमान दे रहे हैं, उनकी जरूरतों और तकलीफों को समझ रहे हैं। हम जो हैं अपने दम पर हैं। कम से कम राउत ने जो उद्धव के कंधे का सहारा ले रखा है, हमने ऐसा तो कुछ नहीं किया, जो किया अपने राज्य और राज्य के लोगों की भलाई के लिए किया। तो कुछ इस तरह से विधायक संजय गायकवाड़ ने राउत की बोलती बंद कर दी, राउत को सरेआम बेइज्जत कर दिया। और अभी तक संजय राउत का संजय गायकवाड़ की इन बातों पर किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं आया है। तो आपको क्या लगता है, क्या राउत को अब अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना चाहिए? क्योंकि बदजुबान होने से सत्ता कभी नहीं मिलती, उसके लिए काम करके दिखाना पड़ता है। तो संजय वर्सेस संजय की इस जुबानी जंग में आप किसके समर्थन में हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे व्लॉग चैनल नीतू की पलटन का लेटेस्ट व्लॉग रिलीज हो चुका है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप भी जल्दी से व्लॉग देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें। तो संजय राउत की बयानबाजी से सब वाकिफ हैं और वो कितना भड़काऊ भाषण देते हैं ये जग जाहिर है। अब ऐसे ही एक भड़काऊ भाषण की वजह से संजय राउत को कर्नाटक की बेलगामी कोर्ट ने समन जारी किया है और 1 दिसंबर को यानी कि कल ही अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। अब कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद तो वैसे ही इन दिनों सुर्खियों में है, खासकर बेलगामी इलाके में पसरा तनाव सबसे ज्यादा डरावना है। दोनों राज्यों की सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र सरकार और कर्नाटका सरकार आमने सामने हैं, जबकि दोनों ही राज्य में बीजेपी की सरकार है, फिर भी मौजूदा स्थिति कंट्रोल से बाहर है। अब तनाव और हिंसा की आग संजय राउत तक भी पहुंची है और संजय राउत को भी इसी विवाद से जुड़े एक भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बेलगामी कोर्ट ने समन जारी किया है। समन के मुताबिक संजय राउत को 1 दिसंबर को सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश होना है। अब संजय राउत को जब से समन मिला है तब से ही राउत पूरी तरह बौखलाए हुए हैं और मीडिया से बातचीत में उनकी बौखलाहट साफ झलकी और उनके चेहरे पर डर भी साफ साफ दिखाई दिया। मीडिया से बातचीत में संजय राउत ने कहा कि आप लोगों से अब मैं शायद मिल नहीं पाऊंगा। जी हाँ, राउत ने अपनी बात की शुरुआत में ही कहा कि मैं अब मीडिया वालों से मिल नहीं पाऊंगा। इसके बाद राउत ने कहा, मैं समन के जवाब में कर्नाटका के बेलगाम कोर्ट में पेश होने जा रहा हूँ और मुझे पूरी आशंका है कि इस दौरान मुझ पर जानलेवा हमला करवाया जाएगा और फिर मुझे उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। दरअसल संजय राउत ने ये भाषण मार्च 2018 में दिया था, यानी कि 4.5 साल पहले। राउत ने 30 मार्च 2018 को कथित रूप से भाषण में कहा था कि अगर कर्नाटका के लोग एक को नुकसान पहुंचाते हैं तो शिवसेना में कर्नाटका की 100 बसों को नुकसान पहुंचाने का साहस है। इसी भाषण में राउत ने लोकतंत्र पर भीड़ तंत्र की वकालत भी की थी और कहा था कि उनकी पार्टी सीमा मुद्दों पर महाराष्ट्र एकीकरण समिति के साथ खड़ी रहेगी। राउत ने इस दौरान कहा था कि इस देश में कश्मीर, कावेरी और बेलगाम कारगर सीमा मुद्दे अब भी अनसुलझे हैं। चुनाव लड़ने और लोकतांत्रिक तरीकों से जीतने के बावजूद अगर लोकतंत्र का गला घोटा जाता है तो शिवसेना के सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि भीड़ तंत्र के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब मार्च 2018 में दिया गया संजय राउत का यही भाषण उनके गले की फांस बन गया है। अब समन पर प्रतिक्रिया देते हुए राउत ने संवाददाताओं से कहा कि 1 दिसंबर को पेशी के दौरान उन पर जानलेवा हमला किया जाएगा और उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाएगा। राउत ने कहा, कोर्ट ने मुझे 2018 के भाषण पर पेश होने का हुक्म सुनाया है और जब मैं अदालत में जाऊंगा तो मुझे जानकारी मिली है, मेरे सूत्रों से मुझे पता चला है कि वहाँ पर मुझ पर जानलेवा हमला किए जाने की पूरी साजिश तैयार है, जिसके बाद मुझे जेल में डालना उनके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा।